हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जो शेयर के बारे में बात करना चाहते हैं वो है विंडलेस बायोटेक। आप उसका चार्ट देख सकते हैं। चार्ट ये आईपीओ 2021 से आया था। अभी बहुत करेक्शंस हुआ, ऑलमोस्ट अभी वो फ्लैट ही चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका अभी बॉटम बन चुका है। जैसे यहाँ से ऐसे कम से कम कितना है ना, ये मार्च से ऑलमोस्ट ऑल अक्टूबर तक बॉटम ही बनाया, अभी उससे ऊपर अभी चल रहा है। ये राउंडिंग पैटर्न जैसा एक बना रहा है, राउंड पैटर्न जैसे अभी देख सकते हैं आप। धीरे धीरे जैसे ये ऊपर चलेगा, थोड़ा ऊपर करेक्शन ऐसे ऐसे होके चलेगा। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, देखेंगे तो जाके, ऑलरेडी मैं 2 बार इसको वीडियो बना चुका हूँ। शायद प्राइस उस टाइम यहाँ पर था 232, 200, हाँ इधर ही किधर। एक बार अक्टूबर 20 के आसपास बनाए थे, तो 235 के आसपास एक बार उसके ऊपर गया था। अभी उसका प्राइस एक बार ऊपर गया था, फिर उसके बाद अभी थोड़ा करेक्शन होकर 244 के आसपास चल रहा है। अब विंडलेस बायोटेक का वेबसाइट में भी देख सकते हैं, उसका वो मेडिकल फार्मा सेक्टर में काम करता है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो सभी का फार्मा रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वेरियस जो भी है उनका, जैसे फाइजर का हो गया, जाइडस का हो गया, इंटास का, सभी का मेडिसिन बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है। उसका वैल्यूएशन भी कुछ ज्यादा खराब नहीं है, अभी ठीक ही है, तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। मैं भी उसको केस में लेने के लिए सोच रहा हूँ। हालांकि ये तो एफएनडो में भी है, लेकिन उतना अभी लॉन्ग टाइम के लिए एफएनडो तो नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा करके उसको ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो विंडलेस फार्म का। इसका अगर मार्क करेंगे, ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, इधर भी लिया था इधर भी ले रहा है, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है। और यहाँ पर एक बेस जैसा बना है, बॉटम जैसा, ऊपर नीचे होके थोड़ा चलता है। शायद थोड़ा बहुत एक बार करेक्शन भी हो सकता है, अगर मार्केट जो अभी गिर रहा है, थोड़ा उसके गिरावट के साथ करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो ऐसे ही फिर धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा और धीरे धीरे चलेगा। अगर यहाँ छोटा सा स्टॉपलस दे सकते हैं अगर कुछ डर है तो, यहाँ से अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर यहाँ एक बार वेट करेंगे 216 के आसपास। और टारगेट जो है वो सबका अपना अपना है, मैं तो उसको थोड़ा लंबा के लिए, जैसे क्योंकि एक क्लियर कट राउंडिंग जैसा दिख रहा है, तो मैं आज तक बहुत सारे शेयर को देखा हूँ ऐसे राउंडिंग पैटर्न बनाता है, वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल 6 7 महीने 1 साल के बाद आसपास इधर कम से कम पहुंच ही जाता है ये लोग वो शेयर, तो 200 से 340 तक आराम से वो धीरे धीरे 6 महीने में पहुंच जाएगा। तो मैं थोड़ा दिन वेट करके रखूंगा उसको, देखते हैं उसके बाद। एक बार मेरा कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं उसको तो स्टॉप लॉस ऐसे भी कॉस्ट में लगा के रख दूंगा, फिर वो जो होगा देखा जाएगा उसके बाद। तो आप भी नजर में रख सकते हैं उसको। और अभी जैसे सारा फार्मा सेक्टर मेरे ख्याल से सभी का शेयर जो चलना शायद चलेगा, क्योंकि इस जो फॉल मार्केट 2 दिन का फॉल है उसमें एक भी फार्मा सेक्टर का शेयर गिरा नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत चला। बायकॉन का थोड़ा कम चला, बाकी थोड़ा नेगेटिव है, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है। तो ये फार्मा सेक्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं, सारे शेयर के ऊपर आपको शायद अच्छा खासा गेन मिलेगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छा लगा तो, ताकि जब भी मुझे ऐसा शेयर मिलेगा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।